टीवी 9 भारतवर्ष हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और इस हेल्पलाइन की जरूरत इसलिए है कि कोरोना जो है वो अपने विकराल रूप में फैला हुआ है। इस कोरोना संकट में जब हम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, कोरोना को हराने की कोशिश में हैं, ऐसे में अगर कोरोना या वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 01204909900 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से फोन नंबर दोहरा दे रहे हैं, 01204909900 पर। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर्स जो हैं वो आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे, आपका संवाद सीधे डॉक्टर से कराते हैं। तो डॉक्टर एसएस अग्रवाल हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं आप राजस्थान हॉस्पिटल के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, आप बच्चों के विशेषज्ञ भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि बच्चों को लेकर बड़ी सारी बातें की जा रही है। आज कोवैक्सीन को ट्रायल बच्चों पर करने की अनुमति भी दी गई, क्लिनिकल ट्रायल, तो कितना खास रहने वाला है बच्चों पर और बच्चों को लेकर इससे पहले कॉलर जुड़े क्या विशेष सावधानियां बरतें जब 4000 से ऊपर मौत के आंकड़े आ रहे हैं, तकरीबन 4 लाख आंकड़े सामने रोज आ रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी खबर है कि बच्चों पे जो 2 साल से और 18 साल के बीच के बच्चे हैं उन पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है और 525 सब्जेक्ट होंगे। एम्स पटना, एम्स दिल्ली, उसके अलावा नागपुर में कई हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रायल चलने वाला है। और मोस्ट ऑल हमें लगता है अगले 6 महीने में हमें ट्रायल के रिजल्ट मिल जाएंगे और हो सकता है अप्रूवल भी मिल जाए। और ट्रायल जो है ट्रायल 2, फेज 2 और फेज 3 दोनों के पैरेलल ट्रायल्स होंगे। पर फेज 1 के ऑलरेडी हो चुके हैं और फेज 2 और फेज 3 के पैरेलल ट्रायल्स होंगे। तो जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमें सच में बच्चों को बचा के रखना है। बच्चों को जो दूसरी वैक्सीन है, जो नॉर्मल वैक्सीन लगा रहे होते हैं, DPT है, BCG है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, या आपका टाइफाइड है, मेनिंजाइटिस वाला वैक्सीन है, चिकन पॉक्स है, MMR है, इन सब वैक्सीन को रूटीन टाइम पे लगवाना है, इसको लेट नहीं करना। इवन फ्लू शॉट भी हर साल लेना है, MMR जरूर लगवाना है, क्योंकि उससे भी हमें कहीं ना कहीं कोरोना के अगेंस्ट क्रॉस मुक्ति मिलती है। जी ठीक है, पहले कॉलर हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दीपक जी, सवाल पूछिए अपना। कोरोना वैक्सीन तो अवेलेबल ही नहीं है तो लगे ही ऐसे, दिक्कत तो यही आ रही है, अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं पा रही है। गंभीर सवाल है, जैसे ही आपको मौका मिले आप कोशिश कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन पर नजर रखिए और उम्मीद है कि शायद हफ्ते दो हफ्ते में चीजें क्लियर हो जाएं। कोई वैक्सीनेशन या डॉक्टर से जुड़ा सवाल है तो हम चाहेंगे आप पूछें। गोविंद जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से, गोविंद जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या है कि मेरे जो वाइफ है वो 4 मंथ का प्रेग्नेंट है जी, और उनको कोविड हुआ है जी। तो अभी जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो दवाई वगैरह जो दिया गया है, एजिथ्रोमाइसिन और जो मल्टी विटामिन और विटामिन सी जी, ये सब मतलब वो खा रही हैं, तो इसके साथ और कुछ मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ? डॉक्टर एस एस अग्रवाल प्रेग्नेंट है, इनकी वाइफ और 4 महीने की प्रेग्नेंट है, कोविड हो गया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर है और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अधिकतर जो दवाइयाँ होती हैं उसका गर्भ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जो अभी आपने दवाइयाँ बोली हैं उन दवाइयाँ, वो दवाइयाँ सेफ हैं और अपने वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह लेवें और उसके अनुसार करें। जो दवाइयाँ आपको मिल रही हैं इन दवाइयों से किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होने वाला है और लगातार जो है ना वो वॉच रखें, उनको कम से कम जो ऑक्सीजनेशन है वो अपना पूरा रहे और अपन इम्यूनिटी बेस्ड की दवाइयाँ देवें। इसके अलावा भी उनको अपन पेट के बल के ऊपर अपन निश्चित तौर के ऊपर कमती देर में, क्योंकि गर्भ है तो भी हम आराम से उनको उल्टा थोड़ी देर के लिए सुलाएं जिससे कि वो ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ राजकुमार जी हैं जमशेदपुर से। राजकुमार जी सवाल पूछिए। सवाल ये है सर जी कि छाती में दर्द, पहला वैक्सीन लेने के बाद छाती में दर्द जो है अभी 15 दिन से छाती में दर्द हो गया है। डॉक्टर डीके गुप्ता, 15 दिन तक क्या दर्द होता है वैक्सीनेशन के बाद? क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाई थी, हमें 1 दिन का दर्द था कंधे का, जिस शोल्डर में वैक्सीन लगवाई थी उसके बाद सही हो गया था। वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट मैं बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन हो सकता है, नॉर्मली 2 से 3 दिन तक परसिस्ट करता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। और जिस सिस्टमिक थोड़े से साइड इफेक्ट हैं उसमें बुखार आना या हल्का सा बॉडी एक होना, हेडेक होना, इस तरह के हो सकते हैं, सरदर्द वगैरह हो सकता है, बट छाती में दर्द नहीं होता, पहले तो होता ही नहीं है। तो छाती में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए,
अगर साथ में कोई और इन्फेक्शन है, कुछ कोविड तो नहीं है, तो उसके लिए भी हमें रूल आउट करना चाहिए। तो बेहतर रहेगा डॉक्टर को दिखा के एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, तो देख लेगा स्टेथोस्कोप से कि छाती में अंदर कंजेशन तो नहीं है, अगर कुछ डाउट लगेगा तो अपना एक्सरे या सीटी करा के कंफर्म कर सकते हैं। जी, तो यानी अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो जिस हाथ में वैक्सीन लगवाई है वहां थोड़ा दर्द, बुखार या सरदर्द, शरीर दर्द होता है, छाती में दर्द नहीं होता। और ये हमारे साथ भी हो जब ने वैक्सीन लगवाई। राकेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से। राकेश जी सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था जी कि मेरी वाइफ को ऐसा है, उसके कैल्शियम डिपॉजिट है उसके हार्ट में जी, जो वाल्व है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट है और उसके आला चल रहा है, उसको वैक्सीनेशन लगाया जा सकता नहीं उसको? डॉक्टर एस एस अग्रवाल। बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि जिनके कोमॉर्बिडिटी है उनको वैक्सीनेशन के अंदर प्राथमिकता दी हुई है, इसलिए इस जो व्यक्ति है उनके वैक्सीनेशन निश्चित रूप से और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लगवा लें तो वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।